20 के नोट पे छपी हुई इस जगह के बारे में आज हम जानेंगे। सो वेलकम टू एलोरा केव्स। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका आर्किटेक्चर 200 साल पुराना है। एलोरा केव फेमस है अपने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल रॉक कट स्ट्रक्चर के लिए, जो कि है कैलाश टेम्पल। यहाँ पे टोटल 34 केव्स हैं, जिसमें जैन टेम्पल्स, बुद्धिस्ट मोनेस्टरी और हिंदू टेम्पल्स इंक्लूडेड हैं। इसके बारे में और जानने के लिए हायर किया हमने एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड, जिसका फिक्स चार्ज है 2200 रुपये, और वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताएंगे जो किसी किताब में नहीं लिखी। तो चलिए। इस जगह का नाम एलोरा, 2 किलोमीटर में गांव है और बहुत नज़दीक जो पहाड़ी है इसका नाम है सह्याद्री। वेस्टर्न घाट की पहाड़ी है, ये मुंबई से अजंता तक जाती है। एरिया 400 किलोमीटर और एलोरा में 3 किलोमीटर एरिया, और यहाँ पर 34 केव है। रॉक जो आपको दिखाई देता है बसाल्ट, ब्राउन कलर का रॉक है। ये चीजल हैमर से तोड़ने में बहुत इजी है और ये पत्थर अजंता एलोरा इस पहाड़ी में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये बढ़िया रॉक कट केव्स एलोरा अजंता की जगह बनाई गई। इसको कलर 2 बार दिया गया। इसके बाहर में जो व्हाइट कलर के प्लास्टर्स हैं, इंदौर की महारानी अहिल्या बाई होलकर ने कलर दिए थे। लगभग प्लास्टर चूने के होने की वजह से निकल पड़े हैं। ओरिजिनल पेंटिंग मंदिर के अंदर आज भी है। और हिंदू में 2 पंथ है, शिवा विष्णु, ये शिव के लिए डेडिकेट किया गया। विष्णु का बहुत स्थान कमती है। तो इसका इम्पोर्टेंट देखो सर, एक ही पत्थर है, इसमें कोई ब्लास्टिंग मशीनरी वर्क कुछ भी नहीं है। पूरा रॉक कटिंग मानव निर्मित गुफा है। और जैन टेम्पल 4 किलोमीटर दूरी पर है, वो महावीर के लिए डेडिकेट किया गया। और वो सारी दिगंबर पंथ की टेम्पल्स है, लेकिन मेन टेम्पल सारे यहीं पर है। तो पहले हम लोग उसको शुरू करेंगे। तांडव ललित उर्ध्व कटिशन, ये 4 डांस से गुफा चल रहा है। ये वाला ललित नाम का डांस है। इसके हाथों पे फोल्ड, फेस लेफ्ट, चेस्ट राइट टर्न है, बैक भी राइट है, लेग उसके फ्रंट में थे लेकिन डैमेज है। ये डांस खाली योगा वाले लोग कर सकते हैं, यहाँ पर जितने भी हैं। सेकंड, री इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, द फेस लाइन बॉडी ह्यूमन, उसको बोलते हैं नरसिंह अवतार। और इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, लुक एट दैट फेस इज लाइक ए पिग एंड द बॉडी ह्यूमन, वराह। फिगर आउट देखे, पहला जो है वरुण, ये रेन गॉड, बारिश देने वाला देवता होता है। इसका व्हीकल है क्रोकोडाइल, मगर सेकंड वन वायु, द व्हीकल इज डियर, हरण के ऊपर वायु है। थर्ड इज अग्नि, इज व्हीकल सी। फोर्थ वन कार्तिक, पीकॉक व्हीकल। जिस तरह हिंदू धर्म में हर चीज़ की शुरुआत गणेश जी से शुभ मानी जाती है, उसी तरह एलोरा केव की शुरुआत भी गणेश जी के स्कल्पचर से की गई है। उसके बाद यहाँ का सेकेंड स्कल्पचर है दुर्गा माता का, जो कि महिषासुर का वध करते हुए देखी जा सकती हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी का मान है, इसलिए लक्ष्मी जी की भी मूर्तियाँ हैं। लक्ष्मी जी को यहाँ गज लक्ष्मी के रूप में दिखाया गया है। जो 2 हाथी हैं वो लक्ष्मी जी को नहलाते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी जी लोटस पे रहती हैं, यानी कमल पे रहती हैं, तो नीचे कमल के स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, जिसमें कुछ कुछ पक्षी भी उन पे नजर आ रहे हैं। माता दुर्गा का एक और स्कल्पचर, जो कि महिषासुर को मारने से पहले का है, इनके 8 हाथ दिखाए गए हैं और ये शक्ति का प्रतीक दिखाई गई है। ये शिव का लड़का है, इसका नाम है कामा, मदन भी बोलते हैं। बाजू में इसकी पत्नी बताई है रति देवी। ये दोनों भी प्रेम की देवता है। और उसका आइडेंटिटी यहाँ पर देखिए, दोनों के बीच एक शुगर केन। शुगर केन इज द सिंबल ऑफ लव, आउटसाइड वेरी स्ट्रांग बट इनसाइड वेरी स्वीट। उसके आइडेंटिटी शुगर केन के साथ बनाई है। और विष्णु विद ईगल, ईगल इन ह्यूमन फॉर्म, ये मानव रूप में गरुड़ बताए। ये 7 लाइन है,
जिसमें महाभारत को लिखा है, लेकिन महाभारत डायरेक्ट नहीं शुरू हुआ। तो सबसे पहले प्रभु देव बंदीशाला में, तो जब वो गर्भगृह में थे उस टाइम का स्कल्पचर है। उसके बाद जब जन्मोत्ति वासुदेव ने बाहर लेकर गए उस टाइम का स्कल्पचर। उसके बाद ये जो बड़ा सा वृक्ष है इसका नाम है अर्जुन वृक्ष, जिस पे झूला लगाया हुआ है कृष्ण जी के लिए। उसके बाद है गोकुल वाले लोग, तो ये गोकुल की कुछ लीलाएं दिखाई गई हैं कि माखन निकालते हुए एक स्त्री है और किस तरह से श्री कृष्ण माखन चुराया करते थे, वो वाला टाइम इस स्कल्पचर्स में दिखाया गया है। उसके बाद है बकासुर नाम का राक्षस, जो कि पक्षी का रूप लेकर श्री कृष्ण को मारने आया था, पर श्री कृष्ण ने उसे मार गिराया। उसके राइट में है सकट नाम का राक्षस, जिसको कंस ने भेजा था श्री कृष्ण को मारने के लिए, और वो फुल स्पीड में आया था, और श्री कृष्ण ने जब उन्हें मारा तो उसके पहिए इधर से उधर जा गिरे, तो उसी का ये स्कल्पचर दिखाया गया है। ऊपर की चारों लाइनों में है महाभारत की गाथा, जिसमें पहली लाइन में है अर्जुन की तपस्या, फिर अर्जुन और शिव जी जी का युद्ध जिसमें शिव जी जी जीतते दिखाई दे रहे हैं, तो अर्जुन को आभास हुआ कि ये तो कोई मानवीय शक्ति नहीं है, ये कुछ अद्भुत शक्ति है, तो जिसके बाद अर्जुन उनको नमन करते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद है पशुपत अस्त्र, जिसमें फिर जो महाभारत में श्री कृष्ण ने रथ को चलाया था उसका दिखाया गया, और नीचे पूरी महाभारत की लड़ाई को दिखाया गया है। गुफा नंबर 16 की पूरी इंटीरियर डेकोरेशन सिंगल रॉक को काट के बनाई गई है, और इसके इंटीरियर में हाथी और लायन के स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे रावण को क्या देना चाहिए, तो रावण को सारी शक्ति बहाल करते हैं सिंह जी, और उसके एक वरदान भी देते हैं, पृथ्वी के ऊपर रावण को कोई भी हराने वाला नहीं मिलेगा। साथ में शिवलिंग देता है और उसे कहते हैं लंका ले जाना, लेकिन जमीन पर नहीं रखना। अभी गणेश उसको नीचे रखने लगाता है, जब रावण उठाता तो ये निकलता नहीं। ये अत्पलिंग आप देखिए, कर्नाटक में बहुत बड़ा मंदिर है गोकर्ण में, वहाँ पर बताया। अब ये रावण ने कैसा उठाया और उसकी कितनी ताकत बाहर निकल गई आपको दूसरी मूर्ति में बताएंगे। बैक साइड का रॉक ऊंचाई है 85 feet, 160 ब्रॉड है। इसका वजन ऊपर कितना टन है अंदाज नहीं कर सकते, लेकिन जहां से पत्थर लटकता है खंबे 20 फुट अंदर है। Without any support, CR cantilever system engineering line, इतना पत्थर मिलेगा जूलॉजिक स्टडी, 6 जनरेशन काम चलेगा इसका प्लान। और क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करा है दीवार पे देखो, लोहे की चिजल हैमर, पूरा लटकने वाला है। और इसी कैंटिलीवर को आप 2-3 जगह से अलग अलग टाइप का देख सकते हैं। यहाँ पर एक पार्वती देखे, ये तो हम लोग घर में हमेशा देखते हैं, रूठ कर बैठी है देखिए। लेकिन शिव जी देखो उसे कैसा मना रहे हैं, उसका हाथ देखे। ऐसे इनके जीवन की कहानियाँ आगे बहुत सुंदर है। इस स्कल्पचर में हम देख सकते हैं कि रावण ने किस तरह से शिव जी और पार्वती को उठा रखा है, जिसमें शिव जी ने वरदान दिया था रावण को शक्तियों का। तो इससे पार्वती जी घबराई हुई नजर आ रही हैं, तो उनका फेस हम देख सकते हैं थोड़ा घबराया हुआ है, और वो शिव जी जी को पकड़ के बैठी हैं, और वहीं शिव जी जी उनको कंसोल करते हुए नजर आ रहे हैं। शिव पार्वती एक गेम खेलते हैं, इसका नाम है चेस और चमसर शतरंज, बहुत नाम है इसे, ये गेम बोर्ड है। अब शिवा को तो चार हाथ बताए, ये बॉटम वाला हाथ देखो, शिव जी जो है ये गेम को प्ले कर रहा है। अभी यहाँ पर जो खेल शुरू होने पर पार्वती ये खेल में विनर है, गेम जीत लिया। शिव जी खेल में झूठा खेलते और चीटिंग करते हैं, इसका चेहरा देखे, यहाँ से हंसने वाला चेहरा, चीटिंग बताया। अब ये खेल में जब चीटिंग शुरू होती है तो पार्वती का झगड़ा देखो ये हाथ से, ये क्या खेल का तरीका है, उसका हाथ देखे। और खाली
खेल का झगड़ा और इनकार ही नहीं है, ये निकल जाने की कोशिश में है। एक पैर उठा लिया, हाथ लेट कर अब निकलने वाली है, तो शिव जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और एक उंगली से रिक्वेस्ट करता है, इतनी जल्दी भी क्या है, प्लीज सिट डाउन एंड गिव मी वन मोर चांस अगेन। ऐसी उंगली दिखाते हैं, एक बार मुझे और खेलने दो, ये पार्वती को समझाते हैं। इतने एक्सप्रेशन मूर्ति में बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। फिर वाहन नंदी, ये जो आर्किटेक्चर अभी देख रहे हैं, ये 160 फुट ब्रॉड है और इसका पूरा वजन इन पिलर्स के अंदर है जो कि अंदर की तरफ है। और इसकी एक और खास बात है कि ये पिलर अंदर और बाहर दोनों तरफ से बिल्कुल पैरेलल है, तो ये बहुत ही कैलकुलेट करके इनको बेस लाइन बनाई गई है जिससे कि ये इतना वजन उठा पाते हैं। ये भक्त मार्कंडेया का लड़का है, मृत्यु समय शिव मंदिर में है, लेकिन इसको मारने के लिए यमराज एक दूर का 5 बालक के गले में डाला है। ये तो शिव प्रेयर करता है, शिव जी से प्रसन्न होते हैं और ये शिवलिंग से बाहर निकलकर यमराज को शिक्षा देके इसकी आयु बचा लेते हैं। शादी के बाद की सप्तपदी पानी ग्रहण क्रिया, ये क्रिया हिंदू धर्म में होती है। एक हवन किया जाता है और उसको कपल 7 फेरे लगाते हैं, उसको बोलते हैं सप्तपदी। ये ब्रह्मा देखो अग्नि के पूजन करता है। इस स्कल्पचर में आदि साइड विष्णु जी हैं और आदि साइड शिव भगवान। तो जैसा हम देख सकते हैं कि विष्णु जी की तरफ हाथ में चक्र है और शिव जी की तरफ नंदी जी हैं, तो ये मूर्ति को कहते हैं हरिहर। और यह है स्कल्पचर अर्धनारेश्वर का, जिसमें हाफ साइड स्त्री के स्कल्पचर है और हाफ साइड मेल का। ये दिखाता है कि दोनों इक्वल है। ये गोकर्ण में जो शिवलिंग है, इसको उठाने के लिए पूरा ताकत इकट्ठा किया है, लेकिन रावण का निकला नहीं, तो इसका कितना दम कहां से निकल गया चेहरे में देखिए, दांत भी खुले दिखते हैं, आंखें अंदर चली गई, ये रावण से निकला ही नहीं। तो ये रावण तो यहाँ पर गर्व हो जाता है कि मुझे तो उसने शक्ति दिया है इसने, अब इसका कैलाश उठा के मैं श्रीलंका लेके जाऊंगा। क्या आपको पता है कि एक्टर जितेंद्र की फर्स्ट मूवी के गाने की शूटिंग यहाँ पे हुई है? और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा स्कल्पचर है रावण का, जिसके 10 सिर और 20 हाथ दिखाए हुए हैं और वो कैलाश को उठा के ले जा रहा है। तो इसमें शिव जी जी और पार्वती सबसे पहले सबसे ऊपर दिख, यहाँ पे पार्वती जी को डरा हुआ देखा जा सकता है और शिव जी जी मायूस बस मुंह बनाए खड़े, क्योंकि शिव जी जी ने ही रावण को इतनी शक्ति दी थी। और बाकी के जो देवी देवता हैं वो पत्थर लेके कोशिश कर रहे हैं कि रावण को किसी तरह रोक दिया जाए। और यहाँ पे एक औरत है जो वापस जाती हुई दिख रही है और कुछ बंदर भी हैं। और यहाँ आए रामायण पे बेस कुछ बहुत ही प्यारे स्कल्पचर। तो बात की जाए पहले नंबर लाइन की, तो पहले नंबर लाइन में दिखाया गया है कि किस तरह राम और लक्ष्मण और सीता माता अपने वनवास की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए निकल रहे हैं। और बिल्कुल लेफ्ट साइड में दिखाई गई है सरायू नदी जब पार करनी थी, तो जो बोट उन्होंने ली उस बोट के थ्रू कैसे राम और सीता पार हुए। सेकेंड लाइन की बात की जाए तो उसमें शूर्पणखा का नृत्य दिखाया गया है। और सेंटर से अगर लेफ्ट की तरफ देखें तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी। थर्ड वाली लाइन में माता सीता हिरण को पसंद करके उस पर हाथ रख के कहती है मुझे हिरण चाहिए, और फिर राम जी उस हिरण का वध करने जाते हैं। और उसी टाइम पे रावण जो है वो माता सीता का हरण करते हैं। चौथी लाइन में वानर सेना अफसोस करती हुई दिखाई दे रही है सीता हरण की वजह से। और पांचवी लाइन में बाली और सुग्रीव का युद्ध दिखाया गया है, इसमें पूरी उसी युद्ध की अलग अलग कड़ियाँ दिखाई गई हैं। उससे अगली लाइन की बात की जाए तो हनुमान जी अंगूठी लेके लंका जाते हैं माता को संदेश देने, और उसी टाइम रावण जब उनको पकड़ लेता है तो वो अपना कद रावण से भी ऊंचा कर लेते हैं अपनी पूंछ पे बैठ के। तो ये पूरी उसकी व्याख्या की गई है।
और आखिरी की दो लाइन में राम और रावण के युद्ध का पूरा दिखाया गया है। और ये है इतनी पुरानी पेंटिंग्स जिसमें इतने प्रिसीजन के साथ हाथी, ओल्ड ज्वेलरी और इवन ये लोटस जो है बड़ा सा आप देख सकते हैं, इसको बनाया गया है। तो हम सोच सकते हैं उस टाइम क्या कैलकुलेशन, क्या दिमाग यूज किया ये सब बनाने के लिए। डिजाइन ये भी ओरिजिनल पेंट है, वह 1000 साल पुराना है। यह है केव नंबर 10 जो कि है एक बुद्धिस्ट प्रेयर रूम, और मुझे यहाँ आके सबसे अच्छा लगा, और आप भी देखिए क्यों। अभी जो लाइट्स है ये देखिए बिखरा हुआ है, मतलब साइड में गया है, तो सामने से दो ही बार ऐसा होता है, फेस में होता है, तो दो बार या फिर सामने से दो ही बार, साल भर नहीं होती, एक बार 10 मार्च और 3 अप्रैल होता है चरणों के पास से, और धीरे धीरे फेस की ओर आता है। ये एक ही दिन की है ना? हाँ, ये 3 अक्टूबर की फोटो है। यह है गुफा नंबर 5 जिसको मॉन्क असेंबली हॉल, डाइनिंग हॉल या कुछ भी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए यूज करते थे। यह है उस टाइम का डाइनिंग हॉल जहाँ पे एक साथ 200 लोग बैठ के खाना खा सकते थे। इसके भी सारी दीवार्स पे स्कल्पचर्स बने हुए हैं और बुद्धिज्म को ये रिप्रेजेंट करती है। और बिल्कुल इसी गुफा के बाहर ये जो फेमस वाटरफॉल है यहाँ का वो बहता है, तो ये बहुत ही सीनिक व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ की एंट्री फीस है 40 रुपये पर पर्सन इंडियन सिटीजन के लिए, और आपका इस तरह का टोकन मिलेगा जो कि एंट्री गेट पे लगाते हैं। और हमने गाइड किया था जिसने 2100 रुपये अगर आप दोगे तो वो तीनों केव्स घुमाएगा और 1200 में एक मेन केव। तो ऐसा था एलोरा केव्स, बहुत ही अच्छा एलोरा की गुफाओं में मज़ा आया। हमने गाइड किया था और काफ़ी देर उसने रामायण, महाभारत, शिव जी, बुद्ध जी का सब समझाया हमें। तो यहाँ 3 मेन रिलीजन है, हाँ, बुद्ध, जैन और हिंदू, हिंदू जिसकी स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। तो ये वीडियो हम अब यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और में बहुत मज़ा आया हमें घूमने में। तो हमारे व्यूअर्स को बोल दो कि चैनल सब्सक्राइब और कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें और लाइक जरूर और करें, लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।